करते हैं। सीबीएसई द्वारा गत 7 जुलाई को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। सीबीएसई ने इस बार 23 दिनों के रिकॉर्ड समय में ही सीटेट परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। इस परीक्षा में 23,77,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 3,52,000 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीटेट परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। बहुत कम समय में मात्र 23 दिन के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने इस परीक्षा को भी लिया और उसके परिणामों को भी आज घोषित किया है। इस घोषित परिणाम में 3,52,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अध्यापक बनने के लिए शिक्षक बनने की पूरी अर्हता रखते हैं। मैं इन 3,52,000 अभ्यर्थियों को उनकी सफलता पर बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ और सीबीएसई को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड समय में उन्होंने इस काम को किया है। बुलेटिन वक्त एक और ब्रेक।